और ठाकुर ने कमाल किया जी एक दफा फिर, ये बैट नहीं दूंगा मैं ठाकुर। तो पंत कहता ना दे ठाकुर, मैं अपने से ही करूंगा ठाकुर। कमाल यार लाजवाब। लॉर्ड ठाकुर शुरू तो हुआ था मीन से, लेकिन जो परफॉर्मेंस वो दिखा रहे हैं मेरे ख्याल से लॉर्ड वाली परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है ओवल के ऊपर। इंडिया हैज गॉट द रिक्वायर्ड रन्स 230 के ऊपर पिछला। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है शार्दुल ठाकुर और ऋषभ पंत के बैटिंग के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि शार्दुल ठाकुर ने शानदार 60 रनों की पारी खेली, वहीं भी पंत ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया, तो इसी पर पाकिस्तानी मीडिया में भी चर्चा हो रही है। तो दोस्तों आइए वीडियो को देखते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए क्या टीम इंडिया यहाँ से मैच को जीतने में कामयाब हो पाएगी या फिर मैच ड्रा कराने में इंग्लैंड सफल हो पाएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो को। So we are fine and shine. 116 run का session. I hope you are also fine and shine. तो कमाल का session रहा ये, dream किस्म का session इंडिया के लिए। 116 runs कमाल और सिर्फ दो विकेट और ठाकुर ने कमाल किया जी एक दफा फिर। ये बैट नहीं दूंगा मैं ठाकुर। तो पंत कहता ना दे ठाकुर, मैं अपने से ही करूंगा ठाकुर। कमाल यार लाजवाब किस्म की उसने इस पूरे पहली इनिंग्स में भी और दूसरी इनिंग में भी मुसलसल 8वें नंबर पे आके 50। और कमाल की बात यह है कि ठाकुर जो है उसने इस सीरीज में रिहाने से ज्यादा रन बना लिए while playing in just 2 matches. और उससे भी कमाल की बात यह है कि उसने जडेजा से ज्यादा विकेटें भी ले रखी हैं और वो भी while playing in, अभी एक इनिंग रहती है बॉलिंग उसमें कराएगा, खैर जडेजा भी कराएगा। तो जडेजा और रहाने जो उन दोनों से ज्यादा इसने विकेटें भी ले ली और रन भी ज्यादा कर लिए while playing in just 2 matches, but other 2 gentlemen they are playing regularly, 4 के 4 matches में वो खेले हैं। तो ठाकुर का जो इम्पैक्ट है वो बड़ा ही जानदार और शानदार और तगड़ा इम्पैक्ट है, मजा आया भाई देख के। और अभी उसका एडवांटेज ले रहे हैं अभी उमेश यादव भी और साथ में बुमराह भी बीच में टुकाई टुकाई लगे हुए हैं और ठीक ठाक 346 स्कोर की लीड होगी 346। और जो दोस्त कह रहे हैं और जो दोस्त कह रहे थे 400 नहीं आ रहा, 400 नहीं हो रहा, बहुत अरसा हो गया, तो आ गया जी 400। 144 ओवर्स, इतने ओवर हो गए हैं जी इंग्लैंड फील्ड में ही है कल का पूरा दिन। व्हाट अ सेशन फॉर टीम इंडिया, शार्दुल ठाकुर एंड ऋषभ पंत मैडनेस और मैडनेस एट इज बेस्ट। भाई लॉर्ड ठाकुर शुरू तो हुआ था मीन से, लेकिन जो परफॉर्मेंस वो दिखा रहे हैं मेरे ख्याल से लॉर्ड वाली परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है ओवल के ऊपर। इंडिया हैज गॉट द रिक्वायर्ड रन्स 230 के ऊपर पिछला सेशन शुरू हुआ था, शार्दुल ठाकुर और ऋषभ पंत ने कमाल की बैटिंग दिखाई, इंग्लैंड को फ्रस्ट्रेट किया, प्रेशर में डाला, 445 ऑन द बोर्ड। और जब मैं बोलता हूँ 445 ऑन द बोर्ड, इट डस टेक अ लॉट। जो टीम 191 पे आउट हुई हो, 78 पे आउट हुई हो, इंग्लैंड का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से बोलिंग कर रहा हो कि जो इंडिया का फेम मिडिल ऑर्डर है रहाणे, विराट कोहली, पुजारा, वो आपको पूरी सीरीज में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हो, बट द रेजिस्टेंस, द काइंड ऑफ द रेजिस्टेंस द लोअर ऑर्डर इज शोइंग इज एक्सेप्शनल। शार्दुल ठाकुर नॉट वंस नॉट ट्वाइस, मतलब अब तो वो कंसिस्टेंसी से कर रहा है जब जब उसको मौका मिल रहा है। पहली इनिंग्स में इंडिया फंसा 36 बॉलों पे 57, दूसरी इनिंग्स में इंडिया फंसा 72 बॉलों पे 60। ऋषभ पंत, उनको मैंने पर्सनली खुद बहुत क्रिटिसाइज किया, तो आई वांटेड टू एक्सेप्ट अ पॉइंट कि यार ऋषभ पंत ने आज बहुत कमाल की बैटिंग की है। उससे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि यू हैव टू प्लान योर इनिंग्स, बिकॉज जिस नंबर पे आप आ रहे हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, यू आर ए नेक्स्ट फैक्टर फॉर दिस टीम एंड यू गिव द बैलेंस टू द बैटिंग। और आज 106 बॉलों के ऊपर 50 की इनिंग खेली और क्या उसमें खूबसूरत स्क्वायर कट, एक उन्होंने स्क्वायर कट खेला पेस के ऊपर, सनत जयसूर्या की याद दिला दी, बट यार कमाल। और अब ये जो बारी लगी है टेल एंडर्स की, जसप्रीत बुमराह की और उमेश यादव की, ये भी 31 रन पे पहुंच चुकी है। जसप्रीत बुमराह को देखें तो भाई उनको भी पिछली इनिंग्स का जो कॉन्फिडेंस है वो उनके पास है, कट भी मार रहे हैं, पुल भी मार रहे हैं, प्रॉपर फ्रंट लाइन टॉप ऑर्डर बैट्समैन की तरह आके फ्रंट पे डिफेंस भी कर रहे हैं। दिस इज व्हाट मोमेंटम कैन डू फॉर यू। इंडिया हैज गॉट द रिक्वायर्ड रन्स 346, दे आर लीडिंग अहेड, दे आर अहेड देन इंग्लैंड इन दिस टेस्ट मैच। 120 से 130 ओवर के लगभग रह गए हैं, हम 4 सेशन की बात कर रहे हैं, 8 घंटे की गेम और रह गई है जो प्लेएबल है अगर मौसम पूरा अलाउ करता है। 8 घंटे नहीं, 8.5 घंटे लगा लो, चलो 9 घंटे लगा लो अगर आधा घंटा कल जल्दी भी रेडी होता स्टार्ट होता है तो। 120 से 130 ओवर की गेम है,
इंडिया अब जितना ओवर्स बैट करेगा उतना वो इंग्लैंड को फ्रस्ट्रेट करेगा, वो भी विकेट्स लेने के लिए अपनी लाइनों लेंथ से और अपने प्लान ए से हटेंगे और इंडिया को अपॉर्चुनिटी होगी। इंडिया द मैक्स द इंडिया स्कोर फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स वो एक एडेड बोनस है, बट लेकिन यार यहाँ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो टीम 191 पे आउट होती है। तो दोस्तों देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या शार्दुल ठाकुर को वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 में हार्दिक पांड्या की जगह मौका देना चाहिए या नहीं, ये बात आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से शार्दुल ठाकुर बैटिंग कर रहे हैं और साथ में बॉलिंग भी उनकी हार्दिक पांड्या से अच्छी है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि क्या उनको मौका देना चाहिए या नहीं, क्योंकि हार्दिक पांड्या अभी फॉर्म में नहीं है और शार्दुल ठाकुर टेस्ट मैच में भी लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।